हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर, देश में और दिल्ली में कोरोना का लेकर लॉकडाउन किया हुआ है और जो खौफ कोरोना का है उससे ज्यादा खौफनाक तस्वीर हम आपको यहां दिखा रहे हैं। हम दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर मौजूद हैं, NH-24 पर। यहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं, जबकि सभी को ये हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने बीच में दूरी बना के रखें। लेकिन ये सभी लोग जो आप देख रहे हैं इस समय NH-24 पर पैदल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सभी लोग दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं जो दिल्ली में अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। लेकिन अब जब से लॉकडाउन हुआ है इनके रोज को खाने की परेशानी हो गई है, ना पैसा है ना खाने के लिए कुछ है। यही कारण है कि ये लोग परिवार के साथ पैदल ही अपने अपने गांव के तरफ बढ़ चले हैं। इनमें से कई लोग उत्तर प्रदेश के बदायूं, अयोध्या आदि जिलों के हैं, तो कुछ लोग पैदल ही बिहार के लिए भी कूच कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं NH-24 है जहां पर आपको इन लोगों का जत्था पैदल चलता हुआ दिख रहा होगा। ये सभी लोग दिल्ली में कोई पुराना सीलमपुर इलाके में रह रहे थे, तो कोई कश्मीरी गेट में, कोई चांदनी चौक में, कोई लाल किला के आसपास और कोई गांधीनगर में। इन सभी का कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है इनकी रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, ना तो इनके पास पैसा ही बचा है और न ही खाने के लिए कुछ अन्न है और सरकार से भी कोई मदद इनको नहीं मिल पा रही है। इनका कहना है कि जो इनके ठेकेदार हैं वो सब अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं, ऐसे में यहाँ रहें तो कैसे रहे जब खाने के लिए एक निवाला तक नहीं बचा है। तो इससे बेहतर होगा कि क्यों ना अपने घर अपने गाँव पहुँचा जाए और मुसीबत के समय में अपनों के साथ ही रहा जाए। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।